अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 208 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस, ठीक है। और इस पाथवे को कहा जाता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। जी तो व्यूवर्स, एक्सट्रिंसिक पाथवे को के टू फर्दर पाथवेज होते हैं। पहला पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे या एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे, और सेकंड पाथवे जिसे हम बोलते हैं इम्यून सेल रिस्पॉन्स। ये टू डिफरेंट पाथवेज होते हैं जो मिलके एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस बनाते हैं। तो अब होता क्या है, पहले हम डेथ रिसेप्टर पाथवे या रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे को डिस्कस करते हैं। तो होता यह है कि जो आपकी वो वाला सेल जिसने खुदकुशी करनी है, जिसकी डेथ होनी है, वो सिग्नल्स जनरेट करता है आउटसाइड ऑफ द सेल्स, ठीक है, और लाइगेंड्स को अपनी तरफ बुलाता है। अब ये लाइगेंड्स क्या होते हैं, ये फास्ट लाइगेंड्स होते हैं और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा होते हैं। दो तरह के लाइगेंड्स इस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको पता है जो भी लाइगेंड बाहर से आएगा वो किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा सेल मेम्ब्रेन पर। तो जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम डेथ डोमेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इसमें फास्ट डेथ रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द टारगेट सेल्स और TNF रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो सेल जो खुदकुशी करना चाहता है उसके पास पहले तो रिसेप्टर्स होना ज़रूरी है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन पे। उन रिसेप्टर्स को डेथ डोमेन रिसेप्टर्स कहा जाता है, जैसे कि फास्ट लाइगेंड और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर्स। जब ये रिसेप्टर्स मरने वाले सेल के ऊपर आ जाते हैं, फिर वो बुलाता है या सिग्नल्स देता है लाइगेंड्स को कि अब मुझ पर आके अटैच हो जाओ। तो फास्ट लाइगेंड्स के साथ, फास्ट लाइगेंड जो है वो फास्ट डेथ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा जो है वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और ये दोनों मिलकर कैसपेजेस की एक्टिवेशन कराते हैं। अब कैसपेजेस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर सिंपली वही पुराना पाथवे फॉलो होता है, जिसमें ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कराएंगे, साइटोस्केलेटल डिग्रेडेशन कराएंगे, जिसकी वजह से अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएंगी और फिर अपोप्टोटिक बॉडीज़ को मैक्रोफेजेस आकर खा जाएंगे। सेकेंड हमारे पास इसका पाथवे होता है इम्यून सेल रिस्पॉन्स पाथवे। इम्यून सेल्स के कौन से सेल्स इस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स, ठीक है। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पोरिंस को। ये पोरिंस जाकर मरने वाले सेल्स की मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स बना देती हैं और फिर रिलीज़ करती हैं ग्रैनजाइम बी, एक एंजाइम जिसका नाम है ग्रैनजाइम बी, वो रिलीज़ करती हैं, जो कि इन पोर्स से अंदर होता हुआ इस सेल के अंदर एंटर होता है। जब ग्रैनजाइम बी सेल के अंदर एंटर होता है तो वो एक्टिवेट कर देता है कैसपेजेस को, और फिर कैसपेजेस अपना काम दिखाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करा देते हैं और साइटोस्केलेटल डिग्रेडेशन कराते हैं, जिसके नतीजे में अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं और इन अपोप्टोटिक बॉडीज़ को मैक्रोफेजेस खा जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो इम्यून सेल रिस्पॉन्स है ना, यानी कि जो टी सेल मीडिएटेड इम्यून सेल रिस्पॉन्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स किल वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, यानी जितने भी वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इम्यून सेल रिस्पॉन्स यानी CD8 पॉजिटिव टी सेल रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। तो इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, ये एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे था, जिसे सेकेंड पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर लेगेंड रिसेप्टर इंट्रैक्शन बताया, यानी कि इस तरीके से फास्ट एल जो है वो बाइंड होता है फास्ट डेथ रिसेप्टर्स के साथ, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बाइंड होता है अपने रिसेप्टर्स के साथ, और इम्यून सेल रिस्पॉन्स यानी साइटोसॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स पढ़ा कि किस तरह वो परफोरेंस और ग्रैनजाइम बी रिलीज करती हैं। अब ये जो येलो से हाईलाइट हुआ हुआ पोर्शन है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये MCQs इसमें से क्या क्या आ सकते हैं। तो फैस और फैस एल रिसेप्टर्स, यानी फैस रिसेप्टर और फैस लिगेंड इंटरेक्शन जो है वो नेसेसरी होता है थायमिक मेडुलरी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि जो थायमस में क्लोनर में एक्स्ट्रा सेल्स हो जाते हैं या गलत सिलेक्शन हो जाती है, नेगेटिव सिलेक्शन हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव सिलेक्टेड सेल्स की अपोप्टोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैस म्यूटेशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्लोनल डिलीशन, यानी अगर थायमस में क्लोनल डिलीशन का फेलियर हो जाता है और नेगेटिवली सिलेक्टेड सेल्स आ जाते हैं बॉडी में, तो उनको ख़त्म करने के लिए फैसल रिसेप्टर्स पाथवे यूज होता है। डिफेक्टिव फैसल इंट्रैक्शन कॉजेज
इम्यून हाइपर लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, ठीक है। तो ये तीन लाइनें हैं, ये एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं कि फैसल पाथवे किस लिए यूज़ होता है, क्लोनल डिलीशन फेलियर को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव सेलेक्टिव सिलेक्शन को डिलीट करने के लिए, उसको उसकी अपोप्टोसिस करने के लिए, और फैस की म्यूटेशन की वजह से फेलियर ऑफ क्लोनल डिलीशन होता है, और डिफेक्टिव फैस और फेल इंट्रैक्शन की वजह से ऑटो इम्यून लिम्फोपोलीफ्रेटिव सिंड्रोम्स हो सकते हैं। मैंने दोनों पाथवे जो आपके साथ डिस्कस किए, आइदर इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं जो पेज नंबर 208 पर है। ये बहुत ही यूज़फुल है, होपफुली आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अवॉइड एकेडमिक कॉन्स्टिपेशन। वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।